खुद तो भागते ही हैं, हमको भी भगाते रहते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेमराज ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देख सकते हैं यहाँ सुबह सुबह का सारा काम खत्म हो गया है, करीब 10-11 के करीब हो रहा है, तो सारा काम खत्म हो गया। अभी नहा के ही जस्ट आ रहे हैं। और ये बाबू यहाँ परेशान कर रहा है, कोई नहीं है अभी फिलहाल घर में, तो यहाँ पे ये बहुत शैतानी करते हैं। तो मैं कपड़ा डालने के लिए बाहर आई थी, तब तक ये बाल्टी लेकर चले आए हैं दरअसल, तो यहाँ तक ये सोते हैं सारा काम हम ही कर ले। तो कैसे हैं और सब क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं तो बस ऐसे ही ठंड के मौसम में, थोड़ा सा धुपा निकला है अभी, तो रात में बहुत ज्यादा बारिश हो गया था फ्रेंड, और यहाँ पे अभी फिलहाल में हल्का हल्का धुपा निकल गया है। और देख सकते हैं इसको, ए लाओ यहाँ पे दे दो बाबू, इसको नहीं लो। इनके बाबा काम करते रहते हैं ना, ये कलकत्ता जो भी है ये, हाँ इसमें रख दो, इसमें रख दो, रख दो। देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा रखा हुआ है, इसी में से ये ले लेके। आपको डर लगता है, और डर लगता है कहीं तो आंख में ना लग जाए, लेकिन नहीं, समझते ही नहीं ये। आ जाओ चलो बाहर चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड पहले कपड़ा डाल लेते हैं। छोटा बच्चा होने तो बहुत परेशानी होता है, कुछ भी करने में बहुत परेशानी होता है, सारा सिर्फ खाना बनाने के टाइम में ही कर सकता है इसको, क्योंकि अपना सारा काम तो इसको लेके ही करना पड़ता है, नहाने से लेकर खाने से लेकर सारा चीज मैं इसको लेकर ही करती हूँ। मैं जा रही हूँ कपड़ा डाल लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सकते फ्रेंड मैं कुछ भी काम करती हूँ ना, तो बस इनको ही करना है। देखिए सारा गंदा करेंगे, लाओ हमको दो, लाओ कार्तिक ला दो हमको दो। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे कपड़ा डाल रही हूँ, देख सकते हैं सारा कपड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि अच्छा खासा धूपा निकला हुआ है और बहुत तेज हवा भी चल रहा है, बहुत तेज हवा चल रहा है, इनको देख रहे हैं, देख सकते हैं। और कपड़ा भी डाल दिए हैं देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा खासा धूपा तो है, लेकिन हवा भी बहुत तेज है, क्योंकि रात में जो बारिश हुआ था इसकी वजह से बहुत तेज हवा चल रहा है। और ये जनाब जब सोते नहीं है ना, तो सिर्फ बाहर में ही भागने के चक्कर में रहते हैं। देखिए कैसे बैठ के खेल रहे हैं ये कार्तिक, देख सकते हैं कैसे कर रहा है। आ जाओ चलो घर में चलो। तो चलते हैं फ्रेंड, बहुत तेज हवा चल रहा है, और बाबू को सर्दी भी, ऐसे भी जुकाम सर्दी हुआ है, तो चलिए चलते हैं घर में। अंदर आ गई हूँ, लेकिन वो आने का नाम ही ले रहे हैं, देख सकते हैं कैसे कुछ लिए हैं और उसी के साथ लगे पड़े हैं वो। और फ्रेंड देख सकते हैं ये धीरे धीरे आ रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कैसे कुछ भी लेते हैं ना तो छोड़ने का नाम ही लेते हैं। और मुझे बहुत काम में देरी इसलिए होता है क्योंकि इनको देखने के बाद मुझे काम करना पड़ता है, और इसलिए मैं सारा सुबह का तो कोई भी काम मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, कोई दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि नहीं हो पाता है। और इनको पकड़ने के बाद ही कोई काम करते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से परेशान कर रहे हैं एकदम। और छोटा बच्चा हो घर में और कोई पकड़ने वाला भी नहीं होता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है कोई भी काम करने में, क्योंकि इनको देख के उसके बाद हमें काम करना पड़ता है, इसलिए एक घंटे का काम 2-3 घंटा लग जाता है। खैर कोई नहीं, थोड़ा सा ये बड़े हो जाएंगे फिर तो हमारी भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, तो प्लीज आप लोग कंटिन्यू रहिएगा मेरे चैनल पे। ये एक काम का हमसे डबल कराते हैं। और अपने भैया का घड़ी, अंकित का घड़ी ये तोड़ दिए हैं, देख सकते हैं कैसे। कार्तिक, ओ कार्तिक क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे सो के जग गए और थोड़ा देर ही सोते हैं, और इतना में हम कुछ कुछ काम किए हैं। अभी सर्दी जुकाम भी बहुत तेज हो गया है मेरा, क्योंकि ठंड के मौसम में ज्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है मुझे, और देख सकते हैं कैसे। हम अभी सोच रहे थे कि कुछ काम और है, कपड़ा वगैरह लाना है तो ला लेंगे, तब तक ये जग के तैयार हो गए हैं। क्या हुआ? और अंकित भी आ गए हैं स्कूल से, दिखाती हूँ मैं आप लोग को। अंकित आ गए हैं स्कूल से, देख सकते हैं यहाँ पे अपना कपड़ा निकाल रहे हैं। सुबह के 8 बजे जाते हैं, 2 बजे आते हैं, और इनको बोलते हैं कि लंच बॉक्स लेकर जाइए, तो नहीं ये लंच बॉक्स नहीं लेकर जाते हैं। और आने के बाद पूरा जोर से भूख लगता है, चेहरा उतर जाता है इनका, देख सकते हैं कैसे। तो कपड़ा निकाल रहे हैं, यहाँ पे स्वेटर भी नहीं लगा के गए थे, और फिर मैं इनको यहाँ पर खाना दे दी थी तो यहाँ खा रहे हैं। और इनके साथ साथ ना पूसू भी यहीं पर बैठ जाती है, जब भी कोई खाना खाता है ना तो पूसू बैठ जाती है, देख सकते हैं कैसे वो अपने खाने के इंतजार कर रही है। जगते ही मेरा काम ड्यूटी इनके साथ लग जाता है।
खुद तो भागते ही हैं, हमको भी भगाते रहते हैं, देख सकते हैं। कुछ सुनाई नहीं है, कुछ सुन नहीं सकते ये। अभी इनके चाचा लेकर गया जा रहे हैं, अभी तुरंत गिरने गिरने बच गए। मैं चूं कार्तिक इतना परेशान कर दिया था कि अभी उनके चाचा है तो लेकर गए हैं अभी खेत में, आलू निकाल रहे हैं लोग वहां पे, सारा जितना आलू है, क्योंकि बारिश हो जाएगा तो ज्यादा तो आलू सारा खराब हो जाएगा, इसलिए सारे लोग आलू निकाल रहे हैं खेत में से, ताकि बारिश के पहले ही आलू लोग घर पे आ जाए। तो दिखाती हूँ मैं आलू, कुछ आलू आ भी गया है, तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे कुछ आलू आ भी गया है, यहाँ इस बोरे में और इस बोरे में कुछ आलू आ गया है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, देख सकते हैं अच्छा खासा अभी निकल जा रहा है, सूखा सूखा सा है। मानूंगी क्योंकि कार्तिक नहीं तो कुछ काम कर लूँ, और झाड़ू भी लगाना है घर में, शाम हो गया है तो कार्तिक नहीं है तब तक काम कर लेते हैं, और इसको नीचे निकाल के रखेंगे, पहले झाड़ू लगा लेते हैं, शाम हो गया है, इसको रख देते हैं इसके जगह पे, झाड़ू लगा लेंगे। मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।